आप सबका मनोज खंडेलवाल मोक्षिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइफ विद खंडेलवाल इंस्टीट्यूट में इस वक्त मोक्षिवेशन प्रोग्राम जो भारत के और विदेश के स्टूडेंट्स के लिए जारी है। विदेश वालों के लिए हम एक अलग प्रोग्राम कराते हैं जो प्योरली इंग्लिश में होता है और उनके प्रोटोकॉल थोड़े से अलग किस्म के होते हैं, और भारतीय लोगों के लिए जो हम प्रोग्राम करा रहे हैं वो थोड़े से हम उसको ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों का परिचय है, बहुत का परिचय नहीं है, लेकिन विदेश के स्टूडेंट्स फुल्ली ट्रेंड रहते हैं और वो लोग 4.5 साल का कोर्स किए हुए होते हैं, तो उनके लिए कोर्स का जो मापदंड है वो थोड़े अलग स्तर का है। और भारतीय लोगों के लिए हम आसान भाषा में बहुत सरल तरीके से बताने की चेष्टा करते हैं ताकि वह आराम से अपना प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। पूरे के पूरे प्रोग्राम में इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं वो 2 से 3 प्रकार के आप लोग एक साथ मौजूद है मोक्षिवेशन में, जिसमें घुटना कमर स्पाइन जोड़ों के दर्द का ऑर्थोपेडिकल क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो लोग हैं उनके मोक्षिवेशन के बारे में भी यह चैप्टर काफी जरूरी है जो हम आगे चलकर आपको बताने जा रहे हैं। और जो लोग कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी एक्यूपंचर के हमारे ऑनलाइन के और दिल्ली और बॉम्बे के स्टूडेंट थे वो लोग जो इस साल और अगले साल हमारे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के अलग अलग क्लासेस में ऑफलाइन में दिल्ली और बॉम्बे में इकट्ठे हो रहे हैं उन लोगों के लिए, ये सारे लोगों के लिए यह प्रोग्राम जो है वो एक बेसलाइन है। इसके लिए हमने सबको एक साथ जोड़ा है। कुछ प्रोग्राम के हिस्से हम फ्री में दे रहे हैं लेकिन वो फ्री में नहीं है, वो पेड प्रोग्राम ही है। पेड प्रोग्राम का ही कुछ हिस्सा हम फ्री में दे रहे हैं ताकि सबको फायदा हो और सब लोग थोड़े ढंग से इसको कर पाए, साइंस को थोड़ा समझ पाए। इसलिए हम इस वक्त आगे बढ़ते हैं कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी मोक्षिवेशन के बारे में। जो चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था मैं उसकी थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। सेफ्टी फर्स्ट में कल हमने जो चीजें लास्ट में छोड़ी थी वो थी कट मोक्षा के बारे में। कट मोक्षा और बॉक्स मोक्षा का हमने आपको अंतर बताया था और इन दोनों के अंतर में हमने आपको ये बताया था कि ऐसे मोक्षा काट कर नहीं लगाने हैं बल्कि कट मोक्षा बाजार में अवेलेबल है उनको लगाने हैं। ऐसे मोक्षा निडल के ऊपर से झड़ते और गिरते नहीं है, यह आगे चलकर आप देखेंगे। उसको लगाने के तरीके कल बताए गए थे कि आपको उसको लगाना कैसे है। उस सेफ्टी मोक्षिवेशन में हमने आपको वार्म निडल मोक्षिवेशन के बारे में बताया था, उसके सेफ्टी लॉक के बारे में बताया था। दोनों बातें हमने बताई थी कि जिन जो लोग कम उम्र के हैं जिनके आंख और हाथ के कंबाइनेशन अच्छे हैं उनको काम कैसे करना है, और साथ में हमने ये भी बताया था कि जो लोग उम्र दराज हैं और उनके पास रोशनी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है या वो लोग फर्स्ट टाइमर है तो उनको अलग अलग 2 कागज का इस्तेमाल कैसे करना है और सेफ मोक्षिवेशन कैसे करना है। कुछ फॉरबिडन पॉइंट्स होते हैं लोकेशन वाइज, खाली मोक्षिवेशन के चक्कर में गलत जगह निडल नहीं लगाएंगे। अगर आपको निडलिंग नहीं आती है तो आप निडल वाले मोक्षा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले ट्रेनिंग लीजिए चाहे कहीं से भी लीजिए और उसके बाद ही कीजिए। और जो लोग एक्यूप्रेशर के लाइन के हैं या दूसरे लाइन के हैं निडल के बजाय हम उनको कैंडल मोक्षा एक सेफ मोक्षा बताएंगे, आगे के क्लास में वो जानकारी मिलेगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त कुछ भी इस झमेले में ना पड़े कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। एक बार ये जो 4 क्लास है ये बढ़िया से कर लीजिए, उसके बाद आपका प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि एक्यूपंचर पॉइंट तो सेम है। जिनको एक्यूपंचर आता है वो एक्यूपंचर निडल के ऊपर काम करेगा और जिनको एक्यूपंचर नहीं आता है उसी एक्यूपंचर पॉइंट को वो एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर काम कर सकता है। दोनों के रिजल्ट बराबर से हैं, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि मुझे एक्यूपंचर नहीं आता है या मुझे एक्यूप्रेशर नहीं आता है, काम एक्यूपॉइंट को करना है। इसलिए बार बार मैं जो शब्द का इस्तेमाल करता हूँ वो एक्यूपॉइंट बोलकर करता हूँ। इसका मतलब है कि एक्यूप्रेशर वाले एक्यूपंचर वाले और जो लोग नए हैं वो भी कर सकते हैं। मोक्षिवेशन का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमको एक लोकेशन चाहिए होता है जिसमें वो पॉइंट है, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसमें नहीं भी होता है तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि मोक्षिवेशन का दायरा काफी सर्किल के में बड़ा होता है निडल की तुलना में और एक्यूप्रेशर की तुलना में, इसलिए तीनों लोगों को इसमें लाभ ही लाभ है। अब आज हम जो बात करेंगे सेफ्टी मोक्षिवेशन की कि निडल के ऊपर जो मोक्षा लगा रहे हैं कट की बात हो गई और साथ में इसकी सेफ्टी की बात हो गई, लेकिन कल जो बातें छूट गई थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिकल का और जो आपको समझाने का है ये दोनों एक साथ चलेगा। तो हम ये आधे घंटे में पहले सेफ्टी की बात करेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे हम प्रैक्टिकल में आएंगे, फिर उसके बाद फिर वापस हम सेफ्टी की बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं आपको निडल के ऊपर जो वार्म मोक्षिवेशन किया जाता है उसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। कट मोक्षा आपको बता दिया, अब बॉक्स मोक्षा
मोक्षा आपको बता दिया। जिन लोगों को कट मोक्षा नहीं मिलता है, बॉक्स मोक्षा मिल रहा है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बॉक्स मोक्षा को आधा कट कर लेंगे और उसको निडल मोक्षा के रूप में वह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कट मोक्षा का साइज में अंतर होता है, जैसा कि आपको कल बताया गया है। जिन लोगों को दोनों के साइज में थोड़ा कंफ्यूजन हो फोटो में देखने में, तो वो लोगों को हमने एक घंटे का एक वीडियो दिया है जिसमें हर प्रकार के मोक्षा और मोक्षिवेशन के तरीके की थोड़ी रूपरेखा दी गई है। जो लोग देर से जुड़े हैं उनको वीडियो देखने को नहीं मिला है, वो व्हाट्सएप में ये पोस्ट कर सकता है कि उनको वीडियो के लिंक दिए जाए, हम दोबारा उनको व्यक्तिगत रूप में या ग्रुप में दे देंगे। वो एक घंटे के वीडियो में वो आपको सिर्फ कट मोक्षा और बॉक्स मोक्षा का अंतर ही नहीं, बल्कि जितने भी प्रकार के मोक्षिवेशन की अभी बात हो रही है, 50 से ज्यादा टेक्निक की बात हो रही है, तो वो सारी चीजों की जानकारी वहां मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या हमें कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले किसी भी दुकान में हम जाते हैं तो आपकी नजर एक बार उस सारी चीजों पे पड़ती है, उसके बाद आपके चॉइस वाली चीजों पे पड़ती है। तो आप अगर इस मोक्षिवेशन के फील्ड में हैं तो आपके पास जानकारी का दायरा एक विशाल होना चाहिए, आपके पास समझ पूरी होनी चाहिए। कोई आदमी अगर आपको बोले कि मुझे मोक्षिवेशन कराना है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि आपको मोक्षिवेशन की समझ पूरी है। और आप भी अलग अलग लाइन में काम करने वाले हैं, कल को अगर आपका इरादा पेन मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा, ऑबेसिटी की तरफ बढ़ा, या समझ लीजिए कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के बहुत सारे ब्रांचेज है उसमें गए, तो आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट मालूम होना चाहिए कि दोनों में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो इस यही कारण है कि ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजिकल और आर्थेटिक पेन मैनेजमेंट में मोक्षिवेशन में जो मोक्षा है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल जुदा किस्म का, बिल्कुल यू टर्न वाला जैसा मामला है। तो जिस ढंग से हम कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में इलाज करते हैं, उस ढंग से हम ऑर्थोपेडिकल में इलाज नहीं करेंगे। जिस ढंग से हम ऑर्थोपेडिकल पेन मैनेजमेंट में काम करते हैं, वैसा हम इलाज रिमेटोलॉजिकल में नहीं करते हैं। और जिस ढंग से हम रिमेटोलॉजिकल में मोक्षा का इस्तेमाल करते हैं, उस ढंग से हम साइकोसोमेटिक में नहीं करते हैं। तो सब में काम करने का तरीका बिल्कुल जुदा किस्म का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं निधन के ऊपर, अब हम आते हैं वूल मोक्षा के ऊपर। तो आप लोग लिख लीजिए वूल मोक्षा, WOOL मोक्षा। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये इसका सबसे प्योरेस्ट और सबसे सही चीज है जो किया जाता है, क्योंकि ये काफी महंगा होता है। ये 750 रुपीज जो लोअर क्वालिटी है वहां से स्टार्ट होकर ऊपर में 2,000-3,000 रुपए तक पर केजी का मिलता है। जो जितना प्योर होगा उतना ये महंगा होगा। तो इस वक्त हम आपको जो बात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टॉप निडल पे आप तीनों प्रकार से काम कर सकते हैं। अगर आप मोक्षा स्टिक का ऊपर से काटेंगे तो सावधानी रखेंगे, क्योंकि उससे दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ज्यादा करके भारत में वही करते हैं, 10 रुपए वाला एक मोक्षा लाते हैं, उसको काटते हैं और ऊपर लगा देते हैं। वो चीजें ना करें, क्योंकि अब आपके पास उससे भी सेफ तरीके हैं काम करने के। तो कट मोक्षा का आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, बड़ा आसान है, लगाना आसान है, जलाना आसान है, और उसके गिरने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन अगर आपने कैंडल मोक्षा किया तो आप सेफ रहेंगे, निडल मोक्षा पे आपने कट मोक्षा किया तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन रोल मोक्षा या स्टिक मोक्षा को काट के लगाया तो आपकी सेफ्टी थोड़ी सी घट जाती है। तो अब हम आपको थोड़ा सा वूल मोक्षा के बारे में दिखाते हैं। यह है वूल मोक्षा। वूल मोक्षा एक तो जलता अच्छा है, दूसरा ये ट्रिंगल बनाते हैं हम, जैसे गोपा अपने गणेश जी की जो मोदक बनाते हैं उस ढंग से बनाया जा रहा है। जो लोग हमारे ऑनलाइन के पूरे प्रोग्राम में, उनको हमने मोदक बनाना लगाना सिखा दिया है, और जो लोग इस फील्ड में है उनको भी हम आगे चलकर बता देंगे कि एक बार ये कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये इतना महंगा होता है तो ज्यादा करके भारत के लोग इसका प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं। हम इसका प्रयोग पूरे भारत में सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और इस पे ध्यान देने की बात ये है कि बहुत प्रकार के हम आपको सेफ्टी चीज बता रहे हैं, तो अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मैं थोड़ा सा इसको और मोटा ले देता हूं। यहां ध्यान दीजिएगा कि ये एक अल्मोनियम फॉयल है। तो जो लोगों को कागज से थोड़ा सा शुरुआती दौर में, हम आपको सलाह देंगे कि कागज का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कागज के ऊपर भी अगर बड़ा सा पार्ट आपने ये गिरा दिया तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, वो कागज भी जल जाएगा। तो वहां पर शुरुआती दौर में जो लोग सीखने वाले हैं, नीचे आलू लगाइए, या आलू लगाने के बाद आप यहाँ पर अल्मोनियम फॉयल लगाइए। ये अल्मोनियम फॉयल है, आपको ये नहीं सोचना है कि नीचे पेशेंट नहीं है। अगर पेशेंट नहीं भी है तो भी आपको क्या करना है,
प्रैक्टिकल जो करना है वो बिल्कुल वैसा ही सोच के करना है कि आप पेशेंट पे कर रहे हैं, तभी आपका हाथ साफ और सही होगा। ये मॉक साहब बुझेगा, बुझने के बाद आपको रुकना है, क्योंकि ऊपर से सफेद देखने का मतलब ये नहीं है कि वो जलता नहीं है। यहाँ आपको पूरा जलता हुआ पोर्शन हमने जानबूझ के दिखाया है ताकि आपको इसकी गर्माहट महसूस हो। यहाँ देखिए पूरी तरह जला हुआ, ये जला हुआ नहीं है, और ये आराम से धीरे धीरे करके पूरा चलेगा, फिर ये पूरा सफेद होगा। सफेद होने का मतलब नहीं है कि बुझ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बुझने के बाद भी आपको 2 से 3 मिनट का इंतजार करना है। फिर इस नीडल को हाथ से पकड़ लीजिएगा और आराम से निकाल दीजिएगा, और डस्टबिन में जो भी ट्रे है उसको पास में लाइएगा, फिर आपको जो करना है इसका करिएगा। इस मॉक्सा का जो प्रयोग करते हैं हम फेशियल में करते हैं, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मॉक्सा है। ये कट मोक्सा जो है, इस पे आपको ध्यान देना है कि यह जलने के बाद बिल्कुल जब सफेद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसकी राख को, जो लोग आगे हमारे साथ पेड प्रोग्राम में जाएंगे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में, उनको हम इससे फेशियल और दूसरी चीज भी बताएंगे, तो वो लोग अभी से ही अपने जो प्रयोग में लाने वाले मोक्सा है उसके जो जले हुए हिस्से हैं उसको रखेंगे, उसके प्रयोग के बारे में हम बाद में बताएंगे। कल जैसे एक सवाल किया गया था कि क्या हम नीचे से जलाएं या ऊपर से जलाएं, यहाँ देखिए ये नीचे से जलाया हुआ है। अब मैं आपको इन दोनों का अंतर बताता हूँ क्या होगा, कि अगर आप नीचे से जलाएंगे तो क्या होगा और ऊपर से जलाएंगे तो क्या होगा। ये आपका बॉडी है, यहाँ पर आपने नीचे से जला दिया तो ये हीट क्या है, यहाँ पर पड़ा, और हीट पड़ने के बाद हीट हमको थोड़ी देर में यहाँ बढ़ना चाहिए। क्यों? कोई भी चीज को धक्का देने के लिए कोई भी चीज का बार बार उस पर प्रहार होना जरूरी होता है, टक टक होना जरूरी होता है। तो आपने अगर नीचे से जला दिया तब अब इस चीज की गति देखिए क्या होगा। यहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि इस हिट के साथ क्या होगा, पहले ये हिट आया, स्ट्राइक किया, अब दोबारा हिट मुझे और थोड़ा सा एक बार और पल्स इस हिट के पीछे से चाहिए कि हिट थोड़ा सा आगे बढ़े। ये हिट अगर आगे बढ़ेगा तो क्या चाहिए मुझे, इस हिट पर लगातार दबाव चाहिए। लेकिन ये मोक्सा क्या हो रहा है, उल्टी दिशा में बढ़ता जाएगा, नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा, तो होगा क्या, इसके पीछे हिट आने वाला बढ़ने की बजाय यह कम होते चला जाएगा, इट विल रिड्यूस, जबकि हमको चाहिए यह यहाँ पर इंक्रीज। तब अब आपको बात समझ में आ गई कि मोक्सा हमेशा ऊपर से जलाना ज्यादा फायदेमंद होता है बनिस्पत नीचे से जलाना, लेकिन इन दोनों का टाइमिंग इतना कम होता है कि अगर आप नीचे से जला देंगे तो ऐसा बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन सीधी सी बात है कि हम जब भी कोई भी बात को अगर स्टडी प्रक क्लिनिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं तो उसमें हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से काम करते हैं। इसका मतलब है कि हमें गलतियां नहीं करनी है, हमें सिद्धांत को सही रूप से लागू करना है। तो बेहतर होता है अगर आप ऊपर से देते हैं तो क्या होगा, ये हिट तो स्पाइरल होकर नीचे से जाएगा, क्यों, क्योंकि तो नीडल तो इसके अंदर भी है, ये इसके पकड़कर नीचे जा रहा है, और जैसे जैसे ये हिट नीचे आते जाएगा इसकी गति बढ़ जाएगी और ये आराम से पेनिट्रेट करेगा, तो इसका फायदा ज्यादा होगा। और दूसरा फायदा क्या होगा कि इसकी जो साइज है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो इस प्रकार का है कि पेशेंट को जैसे ही हिट लगेगा, पेशेंट को मालूम पड़ा कि हाँ अब मुझे हिट लग रहा है, तो आपको इसकी हिट को कम करने की जरूरत नहीं है, क्यों, यहाँ आकर ये बुझ जाएगा अपने आप। इसका अगर थोड़ा सा ये ज्यादा होता तो हो सकता है इसको आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ती। और दूसरा सेफ्टी साइड मैंने आपको बताया है कि यह जो भारत वाले गलती करते हैं, क्योंकि अपने क्लिनिक में ही वह एक चून का निडल रखते हैं, जबकि आपको रखना है 1.5 चून का निडल, ये याद रखेगा। प्राय 1.5 चून का निडल का प्रयोग करते हुए मैंने 90% चिकित्सकों को नहीं देखा है, तो आप लोग शुरुआती दौर से 1.5 चून के निडल पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको निडल मोक्सा, वार्म मोक्सा, डेप्थ निडल, कहीं पे आपको ज्यादा देना है कम देना, तो सारा काम एक साथ हो जाए। मैं भी आप लोगों की तरह पहले गलतियां करता था, मैं 1/2 चून से लेकर ऊपर में 6 चून तक की निडल अलग अलग साइज के रखता था, कभी ये निडल कभी वो निडल। बाद में मुझे समझ में आया कि आपको अगर एक ही निडल से काम करना है तो सबसे बेस्ट साइज 1.5 चून है, जो आपको फेशियल एकुपंचर, ओरिकुलो एकुपंचर, सुजोक एकुपंचर और प्लस बॉडी एक्यूपंचर सब में बराबर काम आता है। तो मेरी सलाह होगी कि अगर आप वार्म निडल मॉक्सिफिकेशन करते हैं तो 1.5 चून सबसे बेस्ट निडल है और सबसे सेफ निडल है, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी और पेशेंट को तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, तो सेफ्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपके चॉइस ऑफ निडल पे। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि तस्वीरें और किताब पढ़ने से ये सब बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये अनुभव प्रैक्टिकल से आता है।
अब आपको एक चीज और दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमने पेशेंट को बैठा कर ये दिया है, और अच्छे जो कट मोक्सा होते हैं उसका कमाल ये होता है कि वो निडल पे लगा रहता है, उसको गिरने का डर नहीं होता है। हमारे क्लिनिक में भी आपने देखा होगा कि हम प्रैक्टिकल इतना ज्यादा कर चुके हैं कि हम बहुत ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते उसको कवर वगैरह करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है पेशेंट के भी और उसके भी। लेकिन शुरुआती दौर में आप सारी सेफ्टी लेकर चलेंगे, क्योंकि एक दो बार जब तक आपका बेडशीट नहीं जलेगा, एक दो बार जब तक आपके पेशेंट के कपड़े नहीं जलेंगे, तब तक अकल आपको नहीं आएगी, क्योंकि मिस्टेक जिस ढंग से भारतीय चिकित्सक करते हैं वो किसी से छुपी भी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को उस मानसिकता से निकाल लीजिए कि आपको नहीं आता है, उस मानसिकता में घुसिए कि जो आता है वो परफेक्ट करना है। चाहे 1 रुपया भी आता है तो 1 रुपया को 100% लागू कीजिए, 5 रुपया आता है तो 5 रुपये को 100% लागू कीजिए। 100% के चक्कर में पड़ेंगे तो होगा क्या, आप जो चीज नहीं आता है वो चीज भी करेंगे। तो हर काम को 100% के रूप में करिए, ना कि 100% के लिए बढ़िए। अगर हर एक काम को आप अगर 100% ढंग से करने लगेंगे तो सारे काम आप अच्छे से करने लग जाएंगे। और वैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चूंकि ये चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी बताने से आप लोगों का फायदा ही है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो निडल दिया है, ये निडल प्राय मैंने अच्छे अच्छे चिकित्सकों को, अच्छे अच्छे एकुपंक्चरिस्ट को ये गलतियां करते हुए देखा है कि वो पेशेंट को बैठा कर उसके बाद जब निडल लगाते हैं तो निडल का डायरेक्शन वो सीधा रखते हैं, जबकि ये डायरेक्शन बहुत ही गलत है। आपका डायरेक्शन ऑफ निडल यहाँ से होना चाहिए और ये डायरेक्शन ऑफ निडल यहाँ से होना चाहिए, तभी निडल आपकी आराम से जाएगी और ये मॉक्सिवेशन आपका आराम से होगा। यहाँ से आपको मोक्षा देना है, यहाँ पर आप कट मोक्षा का इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी बहुत प्रकार के मोक्षा होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ऑर्थोपेडिकल और रिमेटोलॉजिकल और आर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट का हमारा जो प्रोग्राम है वो सैटरडे संडे को एक अलग बैच में चल रहा है, जिसमें अलग प्रकार के मॉक्सिवेशन सिखाएंगे। चूंकि मेरा ये पूरा क्लास इस वक्त कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी का है, लेकिन जो लोग ऑर्थोपेडिकल काम करेंगे उनको जानकारी मैं यहाँ से देते हुए बढ़ता हूँ, ताकि आगे चलकर आपको चीजों को समझने में आसान हो। और जो लोग हमारे पास सिर्फ फ्री के लिए ज्वाइन है और बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी मदद के लिए मैं ये बता देता हूँ, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसी के ठीक नीचे जो पॉइंट है स्टोमक 36, इसके बारे में मैं एक दिन गंभीर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मॉक्सिवेशन का पॉइंट है। और इसके बारे में, ये मॉक्सिवेशन का क्यों पॉइंट है, लगभग 2 घंटे मुझे सिर्फ इसी पॉइंट को समझाने में लग जाएंगे। तो मैं एक दिन पूरी डिटेल में, चाहे मुझे स्पेशल क्लास भी लेना पड़े, लेकिन लेकर मैं आप लोगों को एक बार समझाऊंगा। अगर आपने पॉइंट्स से बात कर ली, अगर पॉइंट को समझ लिया, तो सारे पॉइंट फिर आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, मोक्षा के कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको बरोबर मालूम होने चाहिए, और वो मोक्षा में ही बेस्ट काम करते हैं। जैसे DU 14 है, DU 3 है, DU 4 है, RAIN 8 है, RAIN 4 है, RAIN 6 है, Stomach 36 है, Stomach 25 है। ये पॉइंट इस टाइप के पॉइंट है जो मॉक्सिवेशन पर बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आपको उन पे काम करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक्यूपंक्चरिस्ट जो है वो सिंगल थेरेपी से अपना क्लिनिक चलाते हैं, तो आपको आय का जरिया भी विकसित करना चाहिए। मॉक्सिडेशन पार्ट है एकुपंचर का, लेकिन इसके चार्जेज अलग लिए जाते हैं। इसके चार्जेज कैसे लिए जाते हैं, बिजनेस मॉडल में मैं कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी एकुपंचर में आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस ढंग से आप लोग अपना क्लिनिक चला रहे हैं उस ढंग से क्लिनिक लगभग नहीं चलाया जाता है। 10% लोग तो अच्छा क्लिनिक चला रहे हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन जब मामला 90% लोगों का हो तो वाकई में ये गंभीर चिंता की बात है कि सब लोगों ने सिर्फ कोर्स 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 किया है और किसी ने भी सोचने का समय नहीं दिया है अपने ऊपर कि आज जितने दिन प्रैक्टिस किया उसमें उन्होंने क्या खोया और क्या पाया है। और उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की कि मुझे 6 महीने बाद खुद को कहां देखना है। फिर ये समय बीत जाएगा, हर 31 दिसंबर को हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि यह साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा, और फिर वापस हम 31 दिसंबर पर आ जाते हैं। नवंबर के बाद फिर दिसंबर आ जाएगा। एक बार सोचिएगा कि पिछले साल 31 दिसंबर को आपने खुद से क्या वादा किया था और पूरे साल आपने क्या पाया। बहानेबाजी नहीं चलेगा कि कोविड आ गया, ये हो गया, वो आ गया, कोविड में भी लोग काम कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले सोचिए, और दूसरा बात ये सोचिए कि कब तक स्टूडेंट बनेंगे, कब चिकित्सक बनेंगे। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि आप बेहतरीन चिकित्सक है, जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, उसको 100% लागू कीजिए और रिजल्ट देने की चेष्टा कीजिए। आपको जिंदगी में सफल सिर्फ 3 चीजें बनाएंगी, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका क्लिनिकल नॉलेज और आपका रिजल्ट देने का तरीका। और इन 3 चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन जानना जरूरी है,
दूसरा पेशेंट से बात करने का तरीका आपको आना चाहिए और पेशेंट को काउंसलिंग देना आना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको नहीं आती है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप ये लाइन छोड़कर चले जाइए, क्योंकि मुझे साफ साफ मालूम है कि जो लोगों को ये तीन चीजें नहीं आती है 10 साल के अंदर 90% बेरोजगार हो चुके हैं और आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। थोड़े दिन में आप भूल जाइए कि पड़ोसी भी आपके पास आएगा, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से निकलिए। मैं कड़ा जरूर बोल रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी वाले फील्ड में मत रहिए, खुद को स्थापित कीजिए और आगे बढ़िए और अच्छी चीज को लागू कीजिए और अच्छे ढंग से काम कीजिए। अब वही निडल दो तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप नीचे लगाते हैं और अगर आप ऊपर लगाते हैं। ज्यादा करके क्लिनिक में मैंने ऐसे करके निडल लगाते हुए देखा है। कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट का घुटना आप ऊंचा करके ऐसे निडल लगाए, आप बैठा के भी निडल लगा सकते हैं। जिनका क्लिनिक छोटा हो, शुरुआती दौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो बैठा कर लगाएं, ऐसे नहीं लगाएं शुरुआती दौर में। क्यों? ऐसे लगाने से आपकी सेफ्टी की बात आ जाएगी और पेशेंट को एक गोल तकिया आपको पैर के नीचे देना होगा। लोग नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। पूरी दुनिया में दिया जाता है तो पूरी दुनिया से आप अलग नहीं है। साइंस को साइंस के ढंग से कीजिए, रोगी को उस बेड पे कैसे लेटाना है, कैसे बैठाना है, अगर आपको इतनी सारी समझ नहीं है तो रिजल्ट देने में बहुत दिक्कत होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि रोगी को कैसे लेटाना है, रोगी को कैसे बैठाना है, रोगी के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, आपको पलंग के किस तरफ खड़ा होना है, आपको कितना झुकना है, पेशेंट को नीचे उतारते समय किस चीज का इस्तेमाल करना है, उसको बेड के ऊपर चढ़ाते समय किस चीज का इस्तेमाल करना है। ये मूलभूत बात है, ये बहुत नीचे वाली बात है। इतना जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को अगर आप नए हैं तो इस ढंग से मत दीजिए, आप इस ढंग से भी दीजिए रिजल्ट बराबर है, लेकिन निडल का ख्याल रखिएगा। इस ढंग के निडल में यहाँ पर मोक्षा देने की बजाय मोक्षा आपको यहाँ देना चाहिए था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ मोक्षा देना है। खाली नकल कर अकल भी साथ लगाइए, नकल करके काम मत कीजिए, वरना आप हमेशा गलती करते रहेंगे और थोड़े दिन में वो गलतियां आप मानने लगेंगे कि यह सही है क्योंकि सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। और जब सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप भीड़ में शामिल हो जाएंगे और एक दिन वो झूठ जो है आपको सच नजर आने लग जाएगा, इसलिए अध्ययन कीजिए। तो ये बातें थी वाम निडल मॉक्सिबेशन की। वाम निडल मॉक्सिबेशन में अब मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो है क्लिनिकल। यहाँ पर एक सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगा इसलिए मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, चलो सेफ्टी वाली बात है, इसको मैं एक बार नजरअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप डायरेक्ट ऐसे लगाने लग जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यह नहीं गिरेगा। अगर आपने यहाँ पर वूल मोक्सा या कट मोक्सा का इस्तेमाल किया है तो आपकी सेफ्टी बढ़ गई है बस। तो यहाँ पर उन्हीं वही लोग अनसेफ है जो रोल मोक्सा या स्टिक मोक्सा को कट करके लगाते हैं, वो लोग अनसेफ होते हैं। अगर वूल मोक्सा को लगाया आप सेफ हो जाएंगे, वूल मोक्सा लगाना आना चाहिए बस। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो क्लिनिक वाले करते हैं, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीन है, तीनों को एक साथ जला दिया गया है। रूल नंबर 1 है, कभी भी सारे मोक्सा को एक साथ नहीं जलाएंगे, 1 by 1 जलाएंगे। अब रीजन बताता हूँ, ये पूरी मेरिडियन है, इस मेरिडियन पे आपने यहाँ भी हिट दे दिया, यहाँ भी हिट दे दिया, यहाँ भी हिट दे दिया। अब बताइए ये हिट एक बार इधर जा रहा है, ये हिट इधर आ रहा है, ये दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, ये थोड़ा इधर इधर करने की चेष्टा करता है और स्टक हो गया है यहाँ पर। हम स्टेग्नेशन हटाने के लिए मोक्षा कर रहे हैं और हम एक क्रिएट भी कर रहे हैं, यही होगा। ये थोड़ा इधर जाएगा, फिर ये थोड़ा इधर जाएगा, इसका वे क्लियर नहीं हुआ। अगर समझ लीजिए यही चीज को हम एक दूसरे ढंग से समझते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ मोक्षा दिया, इसकी हिट थोड़ी आगे गई, थोड़ी पीछे गई, इतना दूर इसने क्लियर किया, फिर हमने इस मोक्षा को दिया तो ये क्लियर रास्ता में, अब इसको यहां से आगे जाने का रास्ता मिल गया। अब ये जो जाएगा वो यहां तक जाएगा, क्यों? इस मोक्षा ने इतना रास्ता क्लियर कर दिया। अगर ये मोक्षा दे रहे हैं तो ये मोक्षा पीछे भी रास्ता क्लियर करेगा और यहां तक भी नहीं जाएगा, ये जाएगा यहां तक, क्यों? इन दोनों मोक्षा ने इसका रास्ता यहां तक क्लियर कर दिया। तो ये छोटी बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, वीडियो में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो नॉलेज हासिल हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका क्लिनिक में काम करने का तरीका का समझ बढ़ जाएगा तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। देखिए मोक्सा वही है, निडल वही है, रोगी वही है, सिर्फ एक छोटी सी चीज मैंने दूर कर दी, अब आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। अब आपको इसमें यिंग या यांग समझाने की भी जरूरत नहीं, एक सिंपल सा थ्योरी था कि क्यों भाई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे लाइन क्लियर चाहिए, और लाइन क्लियर तभी होगा जब हम 1 by 1 करेंगे। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, वो भी बता देता हूँ।
ये देखिए दो निडल पे हमने किया है। यहाँ पर जैसा कल सवाल था कि क्या ऐसा लगाना चाहिए या ऐसा लगाना चाहिए, इसमें एक खास बात बता देता हूँ आपको, सारे निडल लगा दीजिए, निडल के ऊपर मॉक्सा आप पहले ही लगा के रख दीजिए, जब चलाएंगे तब जरूरत नहीं है। और इसको क्या करना है आपको, लाइटर से या अगरबत्ती से जलाना है, क्योंकि कल काफी लोगों ने व्हाट्सएप किया सर लेजर लाइटर तो नहीं मिल रहा है, तो हमने आपको बोल दिया था अमेजन से मंगा दीजिए और हम आपको बता भी देंगे अमेजन पे कहाँ मिलता है, और आपके आसपास में जो लोग बैटरी सेल करते हैं लाइटर भी आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन तब तक के लिए आप जो पूजा वाली अगरबत्ती है उससे भी सुलगा सकते हैं। तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए सीक्रेट छिपा हुआ है, इसको देखिए, ये मॉक्सा एक जला हुआ है और ये एक मॉक्सा जला हुआ है, इस यहाँ पर एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट में बता देता हूँ, वो है मॉक्सा जलाने की विधि। बहुत लोग क्या करते हैं, लाइटर को लिया और ये पूरा मॉक्सा जला दिया यहाँ से, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जस्ट उसका एक छोटा सा कोना जलाना है, जस्ट इतना सा स्पार्क काफी है। इतना चीज अगर आपने भगवान की पूजा करने वाली अगरबत्ती से अगर आपने जला दिया है, इतना बस काफी है। अब ये मॉक्सा धीरे धीरे ये बुझेगा नहीं, यह दुनिया का हाईली बर्नेबल प्रकृति की दी हुई चीजों में से एक है, एक बार सुलग गया तो पूरा जल कर ही बुझेगा, इसलिए अब आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जला दीजिए और छोड़ दीजिए, कभी भी इसको पूरा नहीं जलाएंगे, पूरा जलाना जरूरी नहीं है, छोटा सा जला दीजिए, धीरे धीरे अपने जो 7 मिनट 8 मिनट जितना लेगा उतना टाइम लेके पूरा जल जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो अभी बोला था कि एक साथ तीन मॉक्सा नहीं जलाने हैं, तो यहाँ दो मॉक्सा एक साथ जले में क्या यह सही है? देखिए दो प्रकार के थ्योरियां चलती है, पहली थ्योरी जो मैंने आपको बताया, अगर पैरेलल हो तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वन बाय वन ही चलेगा, क्यों, हमारे बॉडी में जो मेरिडियन है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन नहीं है। तो आपको एक बात समझनी है कि अगर हम यूबी मेरिडियन या ड्यू मेरिडियन में 5-6 पॉइंट लें तो हम वन बाई वन ही करेंगे। जैसे आप इस तरफ देखिए, तीन निडल लगा है, यहाँ मॉक्सा नहीं है, यहाँ मॉक्सा नहीं है, मतलब है कि ये मॉक्सा के बाद यहाँ मॉक्सा लगेगा, ये इसके बाद यहाँ लगेगा, तो पहली बात। लेकिन अगर दो तरफ है और सेम ही पॉइंट है तो ये दोनों मेरिडियन अलग अलग मेरिडियन के रूट पे है, तो यहाँ पर आप दो का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्धांत लागू रहेगा। ये सिद्धांत टॉवेल वाला है जिसकी वीडियो हम आपको दे चुके हैं कि डबल सेफ्टी लॉक आपको इस्तेमाल करना है। यहां पर यही सेम चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। ये देखिए, हमें एक चीज का और ख्याल रखना है, जो ख्याल नहीं रखते हम क्या करते हैं, सबके ऊपर मॉक्सा लगा देते हैं, जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना है, अल्टरनेट टाइप का करना है, एक मॉक्सा ये चलेगा तो दूसरा निडल पे मॉक्सा नहीं लगाना है, तीसरे पे लगाना है और चौथे पे नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। एक के बाद एक जब ये मॉक्सा इस्तेमाल हो गया तो आपको क्या करना है, ये दोनों निडल को हटा लेना है, हटाने के बाद फिर यहाँ पर आप अपोग्राफी पे मॉक्सा रखिए और उसके बाद फिर एक जलाइए, फिर एक जलाइए, ये इसका एक सही तरीका है। एक साथ चारों मॉक्सा नहीं जलाना चाहिए आपको, क्योंकि ये पास पास में फोटो बड़ा करके दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे तो मैं अगर दूसरा मॉक्सा यहाँ देता हूं तो ये बहुत पास पास में हो जाते हैं, तो होता क्या, इस मॉक्सा की हिट यहाँ और हिट यहाँ लगकर यहाँ पर एक रिदम बन जाता है, और ये जो रिदम हमको नीचे की तरफ जाना है वो नीचे नहीं जाकर वो एक कंफ्यूजन हिट का एक सेंटर यहाँ बन जाता है। ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकल के दौरान थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा कैसे होता है। देखिए ऐसा ऐसा होता है, जैसे घर में आपने अगर स्टूडियो साउंड बॉक्स लगाते हैं तो आप देखिएगा दो कोने में, एक आगे और एक पीछे हम स्पीकर लगाते हैं, लेकिन साउंड कहाँ सुनाई देता है, साउंड बीच में सुनाई देता है, तो वही सेम इफेक्ट यहाँ पर होता है। तो अब आपको छोटी छोटी बातों से समझ पैदा करनी होगी कि आपको काम करते समय कौन कौन सी छोटी छोटी बारीकी ध्यान में रखनी है, लेकिन ये बारीकियां छोटी जरूर नजर आती है लेकिन इसके रिजल्ट बड़े हो जाते हैं। इसी चीज को मैंने और छोटा करके आपको दिखा दिया है कि आपको काम कैसे करना है, मिस्टेक आपको नहीं करना है। यहां पर देखिए वूल मॉक्सा का इस्तेमाल किया गया है, वूल मॉक्सा में वन बाई वन बर्न किया गया है, यहाँ पर वन बाई वन बर्न करने के बाद भी ये नजर आ रहा है ये बुझ चुका है, ये उसके बाद बुझ चुका है, लेकिन ये अंदर से सुलग रहा है, ये ज्यादा बुझा हुआ है, ये कम बुझा हुआ है, ये बुझने जा रहा है, ये बुझेगा तब ये जलेगा, तो वन बाई वन ये जा रहा है। एक साथ चारों हैं, लेकिन एक साथ चारों होने के बाद भी चारों अलग अलग प्रकार से जलाए गए हैं,
ये पहले चलाया गया है, उसके बाद ये 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 चलेगा। तो आप एक क्रम से भी करेंगे तो दो फायदे होते हैं, एक तो आपको साइंटिफिक TCM के सिद्धांत का भी पालन हो जाता है और रोगी के मनोदशा से भी फायदा होता है कि रोगी को आप अगर एक साथ जला देंगे तो वो आपको कभी नहीं बता पाएगा कि कौन सा मोक्षा उसको हिट ज्यादा दे रहा है, ये वाला हिट ज्यादा दे रहा है या ये हिट वाला ज्यादा दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस मोक्षा को, रोगी नहीं देख रहा है। तो रोगी को तो लगेगा उसकी पीठ पे कहीं गर्म है, तो आप अब कैसे मालूम करेंगे बाहर से कि किस मोक्षा से उसको गर्मी ज्यादा लग रही है, तो आप भी कंफ्यूज, रोगी भी कंफ्यूज और आप नुकसान कर बैठेंगे यहाँ पर। इसलिए अब यहाँ पर चल रहा है तो अगर रोगी बोला हो ज्यादा हिट लग रहा है तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि कौन से मोक्षा में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है एक ही चल रहा है। जब यहाँ पे था तो आपको आराम से मालूम था कौन सा है, जब ये चलाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कौन सा है। और याद रखिएगा यहाँ पर डबल लॉक सिस्टम दिया है, डबल लॉक सिस्टम से कभी भी कोई भी अंगारा इसके अंदर नहीं जाएगा, खाली ऊपर में लपेट के बिछाना नहीं है, डबल लॉक करना है। ये बातें मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है, किसी भी वीडियो में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये चीजें बार बार बतानी जरूरी है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था सेम चीज है कि आप लेटाएंगे तो जब भी नी वाले जो पेशेंट को देंगे, क्योंकि कुछ लोग आगे हमारे प्रोग्राम में कॉस्मेटिक में नहीं रहेंगे तो उनको बता देता हूँ, घुटना दर्द में ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि निडल में यहाँ पर ये डायरेक्शन दिया गया है और ये ऊपर वाले पॉइंट का एक्स्ट्रा पॉइंट को लिया गया है, तो आप इस ढंग से लीजिएगा। यहाँ पर कट मोक्षा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जलाना नीचे से नहीं आपको ऊपर से, तो आप ज्यादा अच्छे काम कर पाएंगे। वैसे ज्यादा करके लोगों को मैंने नीचे से ही जलाते हुए देखा, अगर नीचे से भी जला देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बेहतर होगा आप ऊपर से जलाएं। ऐसा नहीं है कि कोई आप नीचे से जला देंगे तो आपको कोई आत्मग्लानि हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिशनर के अपने अपने तरीके हैं। मेरा अपना एक तरीका है जो मैंने आपसे शेयर कर लिया, हो सकता है कोई दूसरा चिकित्सक होगा उसका अपना एक तरीका होगा, लेकिन तरीकों में बात समझ में आने वाली होनी चाहिए। थोड़ी सी बात को आपको अगर गहराई से समझ जाएंगे तो रिजल्ट के हिसाब से आप उसका रद्द बदल कर पाएंगे। आपके पास जो चीजें हैं वो ध्यान रखने की चीजें, जो गलतियां लोग करते हैं वो क्या करते हैं, इस मोक्षा को हटाकर फिर रखते हैं, वो नहीं करना है आपको। वीडियो में जो लोग हमारे प्रोग्राम में उनको तो हमने वीडियो दे चुके हैं, जो लोग फ्री वाले उनको ये वीडियो नहीं दिया गया, जो हमारे बड़े प्रोग्राम है उनको हम ये चीजें पूरी डिटेल में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपका एक हाथ से जब आप निकालते हैं तो दूसरा हाथ एकदम निडल के पास होना चाहिए, कंटेनर याद रखिएगा, ये ट्रेवल नहीं करेगा, निडल और मोक्षा ट्रेवल नहीं करेगा, बल्कि आपका हाथ जो है वह यहां से निकला और यहाँ गया, बस इतना ही डिस्टेंस कवर करना है आपको। ये नहीं कि इसकी दूरी यहाँ पर हो, आप सामने ले जाएं, इसको निकाल लें फिर लेके चले जाएं, वो सब गलतियां आप मत कीजिएगा। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम लोग किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के लिए आपको खाली सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए सेफ्टी पे ध्यान रखिए, और जिनको ये सिद्धांत मालूम है वो सिद्धांत रखिए, जिसको ये मालूम है ज्यादा करके बेहतर होता है आप हर लोग क्लिनिक में किडनी ट्रे रखिए। किडनी ट्रे किस टाइप की आती है, बहुत सस्ती है, 50 रुपए से स्टार्ट होती है और ऊपर में 300-400 रुपए तक आती है, वो आप अपने हिसाब से अपनी क्वालिटी वाला खरीद सकते हैं। क्लिनिक है तो उसका इन्वायरमेंट और लुक क्लिनिक जैसा होना चाहिए, उसके बहुत फायदे हैं। किडनी ट्रे कैसा होता है जिनको जानकारी नहीं है, 1 घंटे की वीडियो दी हुई है, उसमें सारे किडनी ट्रे अलग अलग साइज के, मोक्षा वाले, निडल डालने वाले, वो सारे दिए गए, उनको देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपका टाइम यहाँ पर खराब नहीं करूंगा। जो लोग निडल के ऊपर देते हैं उनको क्या चाहिए कि ये निडल जो राख है ये राख के से इस पे नहीं दे, ये पूरी तरह हिट होना चाहिए, राख झड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आप निडल के ऊपर हिट दे सकते हैं। कुछ लोग निडल के ऊपर हिट देते हैं और वो कट मोक्षा का प्रयोग नहीं करते, वो एक साथ क्या करते हैं, एक डंडी सी जला लेते हैं रोल को और 10-15 लोग भी जो भी लेटे होते हैं, थोड़ा निडल पे दे दिया, थोड़ा पीठ पे दे दिया, ऐसे करके जैसे भगवान को अगरबत्ती घुमाते हैं वैसे अगरबत्ती से घुमाते हुए निकल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बस एक छोटी सी सलाह यह है कि इसका राख को जरूर झाड़ लीजिए। आप ऐसे करेंगे तो होगा क्या, यहाँ निडल के पास ये थोड़ा भी हिस्सा टकरा गया तो ये सारा राख पेशेंट के ऊपर गिर जाएगा। और दूसरी बात है कि इस निडल में इस हिट से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस राख से ये हिट ट्रांसफर नहीं होगा, आपके हाथ पे आंच जो लगेगी यहाँ तक होगी, जैसे राख झाड़ेंगे इसकी दूरी यहाँ तक बढ़ जाएगी और हिटिंग पेनिट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है राख के साथ निडल के ऊपर मोक्षा या बॉडी के ऊपर मोक्षा नहीं करना चाहिए, इसकी लालिमा आपको बराबर दिखते रहनी है। और दूसरी बात है इसको ठोकना नहीं है, लोगों को मैंने ठोक कर ही ये गिराते हुए देखा है, आपको सिगरेट की भांति इसको ठोकना है,
तो वो सिगरेट की भांति कैसे ठोकना है वीडियो में हम आपको डिटेल में दे चुके हैं, तो उसको ध्यान से देखिए और उसको करिए। सेम चीज मैं थोड़ा सा जल्दी चलते हुए बता रहा हूँ, ये क्लिनिकल माहौल है जिसमें आपको समझ में आने चाहिए कि पेशेंट कैसे लेटता है, कैसे क्या करता है। देखिए इसकी चीजें जो है एकदम हमने पास में रखी है ताकि जब पूछ जाएगा एक हाथ में ये लेंगे, एक हाथ में ये लेकर तुरंत इसमें ट्रांसफर करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, तो चीजें आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बेड के ऊपर कोई भी आपकी चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने एक गलतियां अच्छे अच्छे क्लिनिक में देखा, वो अपना सामान भी यहाँ रख देते हैं, मोबाइल भी यहाँ रख देते हैं, पेशेंट का भी सामान यहाँ रहता है, तो पेशेंट का सामान रखने की जगह होनी चाहिए। पेशेंट का जो पर्स होता है वो निजी होता है, हम लोग एक अलग सा बैग देते हैं, एक घंटे की वीडियो में मैंने बताया है, उस बैग में रखाकर उसी बेड के पास हम टांग देते हैं ताकि वो अपने सामान की खुद हिफाजत करे। ज्यादा मोबाइल स्विच ऑफ करके ही हम अपने क्लिनिक के अंदर घुसने देते हैं, जब तक वो मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करता है हम क्लिनिक के अंदर उसको प्रवेश नहीं करने देते हैं। हमारे रोगी लगभग 90% रोगी सो जाते हैं, इतना आराम होता है। रिलैक्सिंग पोजिशन होना पेशेंट का जरूरी है, पेशेंट का लेटा होने के साथ दोनों स्पेस जरूरी है। पेशेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोने में लेटा है और आपका बेड छोटा है, पेशेंट महाराजा और महारानी की तरह होता है, उनका व्यवहार आपको बिल्कुल वैसा ही रखना है, पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में ट्रीटमेंट देना है। ये सारी मूलभूत बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि मॉक्सिवेशन एक हीलिंग का नाम है और पेशेंट का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम दे रहे हैं और ये सेम चीज को मैंने दिखाने की चेष्टा की है। तो ये चीजें मैं एक बार फिर बीच में रोकता हूँ और इसके बाद हम वूल एंड कट निडल मॉक्सा के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले लेते हैं प्रैक्टिकल को। तो रेखा सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेंगे आधे घंटे की, उसके बाद फिर सेफ्टी वाली बात पे वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि सेफ्टी की बहुत सारी बातें आपसे करनी बाकी है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट उसके बाद यात्रा शुरू होगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को एक बार मैं यहाँ पर अंत कर